मध्य प्रदेश में लंबी प्रतीक्षा के बाद मंत्रियों के विभागों का वितरण भी हो चुका है और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट भी इस समय है और हम बात कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से। सर बहुत बधाई हो। और अब जो आपको विरासत में मिला है कोरोना का संकट, इसके लिए क्या किस तरह की अब तैयारी करना पड़ेगी? कोरोना की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। मैं तो आम जनता और आम नागरिकों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि सब लोगों को जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका सब लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी दूरी एक दूसरे से बनाकर रखें, मास्क हमेशा लगा के रखें, हमेशा थोड़े से अंतराल के बाद ही हाथों को धोते रहें तो जल्दी हम लोग मजा पा पाएंगे। अब ये जो जिस तरह से अब वो भाजपा में मध्य प्रदेश में स्थिति बनी है, उसी तरह की स्थिति अब राजस्थान में बन रही है और 30 विधायकों के साथ पायलट सिंधिया से भी मिले हैं, सिंधिया जी ने भी उनका समर्थन किया है। क्या मानना है आपका, क्या कांग्रेस मुक्त भारत होने की दिशा में? देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से काम चल रही है निश्चित रूप से कांग्रेस टूटती जाएगी, लोग उससे हटते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सबको लेकर काम कर रही है। निश्चित रूप से जो भी कांग्रेस की रीति नीतियां हैं जो अपने नीतियों से भटक गई है, इसलिए तो ये परिस्थितियां बन रही। कांग्रेस में आप लंबे समय तक रहे हैं, किस तरह की सुधारों की जरूरत? देखिए, कोई किसी भी पार्टी में रहे, जनता की सेवा करना चाहिए और जनता के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल, अजय बिश्नोई जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भाजपा को संस्कार का पाठ सिखा रहे हैं कि भाजपा का गिराना और बनाना इस तरह का काम ठीक नहीं है और इससे जो है निश्चित तौर से कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को उन सब सावधानियों का पालन करना चाहिए, निर्देशों का पालन करना चाहिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो। और वहीं राजस्थान जैसी स्थितियों पर वो एक बार कांग्रेस को जरूर नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो रीति नीति है वो लोगों को मजबूर कर रही है दल बदलने के लिए। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।